हेलो गाइस, बैक एक नए जनरल वीडियो में इस आदमी आपको वेलकम करता हूं हमारा चैनल कंप्यूटर में। खुद भी बहुत सारा प्रीमियम लैपटॉप देखे हैं, हमने भी डिस्प्ले किया है हमारे बहुत सारे वीडियो में। तो चीज़ें क्या है, हर टाइम में क्या है, प्रीमियम लैपटॉप प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बहुत सोच के आज एक वीडियो लाया हूँ जो बजट फ्रेंडली में एक प्रीमियम लैपटॉप हो, जो कि पावरफुल भी हो, परफॉर्मेंस के साथ सब कुछ हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेल का लैपटॉप है जो कि 5420 मॉडल है। तो क्या स्पेशलिटी है इस लैपटॉप में, चलिए देखते हैं। तो मैं बता रहा था 5420 प्रीमियम लैपटॉप में क्या है। तो देखो, लुक एंड फील के बारे में बताऊं कि ये फुल्ली बॉडी मेटलिक में देता है, कंपनी लोगो भी अच्छी तरीके से बीच में मेंटेन करके दिया हुआ है। अब लैपटॉप खोलोगे, यहाँ पे साइड आप देख ही सकते हो, एक मतलब रेस्ट करके दिया है। अगर मैं खोलूँ तो ये ना नीचे का बेस बन जाता है, तो क्या होगा, आपका ये गैप क्रिएट होगा। तो देख ही पा रहे हो, तो दैट इज ऑल अबाउट, आप 15-20 डिग्री आप पकड़ लो। ये अगर होता है तो वी कैन हैव बेटर कूलिंग कैपेसिटी, बेटर टाइपिंग पोजीशन एंड बेटर ऑडियो सिस्टम। तो लैपटॉप का मैं वेट बताऊं तो ये लगभग 1.5 केजी के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लाइट वेट है बहुत। बैकलाइट में इतना बड़ा कूलिंग एरिया है, और अंदर में क्या है, अंदर में भी एक कूलिंग एरिया है, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ। तो ये रहा लुक एंड फील, चलिए ब्रीफ करते हैं अंदर में क्या चीज़ है। मैं बताना था स्क्रीन के बारे में, 5420 का स्क्रीन के बारे में बताऊं तो आप देख ही पा रहे हो, नैनो बेजल करके दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल करके दिया है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अप टू 92% तक है। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन का मैं बात करूँ, लगभग लैपटॉप में आपको फुल एच डी तक का डिस्प्ले मिल जाता है, मगर ये लैपटॉप आपका फुल एच डी प्लस है। डिफाइन करें तो आपको फुल एच डी का रेजोल्यूशन आपको पता ही है, 1920x1080 करके है, मगर फुल एच डी का 1920x1200 मिलेगा, मतलब तगड़ा रेजोल्यूशन भाई। दूसरा बात, इसमें आपको कंफर्ट भी आता है। तो रैम में बहुत सारे वीडियो में बताया है, पहले ये बारे में बताता हूँ, ट्यूब रिलेंट आप जानते हो, दैट इज सर्टिफाइड होता है स्क्रीन को, जिसमें आपको 70% बुलेट कम होता है। तो कंफर्ट व्यू नन अदर देन सेम थिंग है, इसमें भी आपको 70% लोअर रिडक्शन कम मिलेगा, और आरजीबी बहुत ही मेंटेन करके रखा है, मतलब कलर रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा। इसका एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सेटिंग में जाओ, पिक्सल्स पे जाओ, एचडीआर का एक व्यू दिया हुआ है, मैं प्ले करता हूँ, देखो मतलब डिस्प्ले का क्वालिटी क्या है। मतलब मैं छोटा छोटा ब्लॉग करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, कुछ भी हूँ, इस टाइप का वीडियो में कर सकता हूँ, जो कि काफी अच्छा तक कलर मेंटेन करके रखा है। तो डिस्प्ले तो अच्छा मिल ही गया आपको, कैमरा में क्या, हर किसी के लैपटॉप में आपको एचडी का आपका कैमरा मिलता है, मगर ये लैपटॉप में आपको फुल एचडी कैमरा मिला है, जो कि आपको 30 fps तक आपका वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है। इसमें आपको कैमरा शटर भी है, प्राइवेसी के कारण आप अगर मीटिंग में हो, कुछ भी हो, तो आपको बंद या ऑन कर सकते हो। चलिए, इसका मैंने बता दिया सच बात, मगर क्या क्वालिटी है, चलिए देखते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये है वीडियो क्वालिटी, ये अच्छा, मतलब अब देखो मेरे बैकसाइड में मैंने मेरा लाइटिंग सेक्शन है, मगर मेरा फेस ब्लैक नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड WDR एंटीना टेक्नोलॉजी, मतलब कलर को मेंटेन करके रखेगा ही रखेगा, साथ ही साथ नॉइज भी नहीं आएगा, मतलब कलर एकदम मेंटेन करके रखता है। तो हम जाते हैं कि तीसरा पार्ट में, पहला पार्ट हमने लुक एंड फील देख दिया, स्क्रीन के बारे में देख दिया, थर्ड पार्ट हम जाते हैं कीबोर्ड के बारे में। अभी कीबोर्ड आप देख ही पा रहे हो, ये आपको 1.4 mm की ट्रैवल डिस्टेंस दे रहा है, जिसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड है, तो मतलब रात में भी काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऑन के साथ अगर पावर बटन में देखें, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कि विद इन 1 second का बूट टाइम है, मतलब ऑन किए जस्ट फिंगरप्रिंट दबाए पटाक से ऑन। अभी यहाँ पे कूलिंग एरिया भी दिया हुआ है, दो कूलिंग एरिया आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है।
और मैं टच पैड की बात करूँ, बहुत बड़ा टच पैड दिया हुआ है यहाँ पे आपको। 10 फिंगर का मल्टी टच है, तो ये भी आपका पूरा मेटल सेक्शन ही है। चलिए अभी पोर्ट्स के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आपको टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा जो कि 5G bps/s है। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड रीडर है, आपको ऑडियो जैक है जो कि आप हेडफोन वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप सी है जो कि सॉरी ADP पोर्ट है जो कि अप टू 2K 4K स्क्रीन आप यूज कर सकते हो, वो भी सेम टाइप ए पोर्ट है। यहाँ पे HDMI है, यहाँ पे पावर अडेप्टर है। इसका और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी स्पेक के बारे में आते हैं। आपको स्पेक में क्या मिलेगा, i7 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर है तो आपको 10 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है मेरे भाई, उसमें भी आपको तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा। समझो पिछला टाइम हम 10 जनरेशन 11 जनरेशन यूज कर रहे थे, उस परफॉर्मेंस में खुश थे, आज के रेट में 10 से ज्यादा कोर आपको मिलेगा तो मतलब परफॉर्मेंस कैसा होगा आप बताओ। उसी के साथ 16 GB का रैम जो कि DDR4 3200 MHz का देता है। मैं बता दे रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं DDR4 का रैम स्पीड इतना है, DDR3 का इतना है, भाई उसका एक स्पीड लिमिट होता है आप जानते हो। मैं बताता हूँ आपको, 3200 MHz 3000 MHz 3600 MHz हो गए, मगर DDR4 का मैक्स स्पीड लिमिट अप टू 32 GB/s है। समझ रहे हो, पिछला टाइम हार्ड डिस्क यूज करते थे जिसका 70 से 80 GB/s था, और SSD में बताओ इसमें आपको 512 SSD दे रहा है जिसका स्पीड अप टू 3.5 GB/s है। तो समझ लो कितना तगड़ा स्पीड बना के दिया है कंपनी ने। आ जाते हैं बाकी के बारे में, विंडोज आपको विंडोज 11 दिया है, साथ ही साथ आपको ऑफिस 2021 बाय डिफॉल्ट दिया है। डेल की कंपनी लैपटॉप ले रहे हो तो 15 महीने का एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट फ्री देता है। तो इसका और एक चीज है, अभी ऑफर वगैरह चल रहा है, आप अगर जाओ तो वारंटी एक्सटेंशन कर सकते हो। गुडीज का ऑफर है, स्कैन एंड रूम का ऑफर है, अपटू 10,000 का ऑफर मिलेगा। सब बता देने के बाद मैं अभी चीज बताता हूँ, ये लैपटॉप का कॉस्टिंग। अभी ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 74,000 के अंदर मिलेगा, है ना मजेदार। i7 का चीज 2022-2023 में किसी के दिमाग में आता था तो भाई 80+ तो हो गए। अभी 73-74 में अगर आपको इतना अफोर्डेबल प्रीमियम लैपटॉप मिल रहा है, ग्राबिट यार। चलो मैं जाता हूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज नीचे जाके कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना जिससे भाई को अच्छा लगे, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।